हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं हूँ नाहिद और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शरबत, या फिर आप इसे रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे साबूदाना फालूदा या टैपियोका डेजर्ट भी बोल सकते हैं। और अगर आप फास्टिंग में हैं, रोज़ा रखे हुए हैं, तो अपने व्रत में या फिर अफ्तार के टाइम इस शरबत को ज़रूर बनाएं। इसे पीते ही आप फुल एनर्जी महसूस करेंगे। और अगर आपको इस फालूदा की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को बनाना। इस शरबत को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप साबूदाना। इस साबूदाना को हमें 4 से 5 बार अच्छे से धो लेना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। तो यहाँ पर मैं साबूदाना को 4 से 5 बार धो ली हूँ अच्छे से, ये देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है इसमें, सिर्फ 1 इंच ऊपर तक पानी हमें डालना है। और पानी डालकर इसे हम लोग आधे घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आधे घंटे हो चुके हैं, मैंने एक बर्तन में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए साबूदाना ये बहुत अच्छे से सोख हो चुका है, फूल चुका है। अब हमें इन उबलते हुए पानी में साबूदाना को डाल देना है। साबूदाना पहले से ही बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, तो इसे पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। 4 से 5 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगा। बीच बीच में साबूदाना को इस तरीके से चलाते जाएं जिससे साबूदाना तले पर चिपके नहीं। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर ही मैं साबूदाना को पका रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और साबूदाना बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो यहाँ पर साबूदाना हमारा पककर तैयार है। अब इसे हम लोग छान लेंगे, और छानने के बाद इस पर हम लोग ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे इसका पकना यहीं पर रुक जाएगा, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। अब इस साबूदाना को हम लोग साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस शरबत को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध ले रही हूँ, और इस दूध को अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी 1/2 कप। आप अगर कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगह चीनी भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर आप दूध को थोड़ी देर और पका लीजिए, उसे गाढ़ा कर लीजिए, फिर अपने मीठे के मुताबिक आप चीनी डाल सकते हैं। मैं इस शरबत में आगे और मीठा ऐड करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं कंडेंस्ड मिल्क 1/2 कप ही यूज़ कर रही हूँ, जिससे इसका मीठा बैलेंस रहेगा। तो आप भी चीनी कम ही क्वांटिटी में ऐड करिएगा पहले। अब लगातार चलाते हुए हमें कंडेंस्ड मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध में। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाना ऑलरेडी पके हुए हैं, इसलिए हमें दूध में साबूदाना को पकाना नहीं है, सिर्फ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और लगातार चलाते हुए अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहीं पर हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप रूअफ़ज़ा। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाऊंगी और मिक्स करूंगी। रूअफ़ज़ा ऐड करने के बाद इसमें एक बहुत अच्छा पिंक कलर आ जाता है, आप देख सकते हैं। अब इसमें बचा हुआ जितना रूअफ़ज़ा है वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें बाद में रूअफ़ज़ा ऐड करना था, इसलिए हम चीनी या कंडेंस्ड मिल्क कम क्वान्टिटी में डालेंगे, जिससे बाद में रूअफ़ज़ा मिक्स करने के बाद हमारा जो मीठा है इस शरबत का वो बैलेंस में रहता है। तो यहाँ पर साबूदाना शरबत बिल्कुल तैयार है। आप इसे ठंडा करके ऐसे भी पी सकते हैं, पर यहाँ पर हम इसे फालूदा की तरह सर्व करेंगे। तो चलिए इसमें कुछ ट्विस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सब्जा, यानी तुख मलंगा, जिसे बेसिल सीड्स भी कहते हैं। इसमें बहुत तरह के विटामिन और कैल्शियम पाए जाते हैं, जिसका यूज करने से हमारा फालूदा बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होगा। और अब मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ, और इसे 10 मिनट के लिए सोख होने के लिए यानी फूलने के लिए रख दूंगी। अब इसे एक बार अच्छे से चला लें, और इसे फूलने के लिए हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। और ये देखिए यहाँ पर हमारा शरबत बहुत अच्छे से चिल्ड हो चुका है, मैंने इसे फ्रिज से निकाल दिया है बाहर। आप चाहें तो एज अ शरबत इस तरीके से भी इसे पी सकते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। बहुत ही रिफ्रेशिंग साबूदाना का शरबत ये बनकर तैयार हुआ है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सब्जा सीड्स बहुत अच्छे से फूल चुके हैं, बहुत अच्छे से सोख्ड हो गए हैं। अब इस फालूदा को सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक गिलास ले रही हूँ। इस गिलास में सबसे पहले हम सब्जा डालेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच सब्जा डाल दे रही हूँ इसमें। ये देखिए इस तरीके से नीचे आकर के ये सेट हो जाएगा। अब फालूदा को कलरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर होममेड जेली ऐड कर रही हूँ। इस जेली की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर आप लोगों को दे रखी है, अगर आपको इसे दोबारा देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप ऊपर आई बटन में भी इसे देख सकते हैं। अब इस जेली के बाद इसमें जाएगा ये ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग साबूदाना शरबत। इस गिलास को हमें फुल नहीं भरना है, थोड़ी स्पेस हमें ऊपर रखनी है। इसमें हम डालेंगे आइसक्रीम, तो यहाँ पर मैं वेनिला आइसक्रीम का 1 स्कूप डाल रही हूँ। आप अपनी कोई भी फेवरेट आइसक्रीम डाल सकते हैं।
इसके ऊपर मैं रूह अफ़ज़ा डाल दे रही हूँ और ऊपर से मैं जेली से इसे गार्निश कर दी हूँ। इसके ऊपर आप अपना कोई भी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल फालूदा बनकर तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को आप दो तरीके से सर्व कर सकते हैं, या तो आप इसे शरबत की तरह भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर इसमें आइसक्रीम और बेसल सीड्स के साथ फालूदा तैयार करके भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक भी करिएगा और दोस्तों और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसी तरह के हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ मैं आगे भी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, मेरी रेसिपी को पसंद किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।